नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। सो यूएसए के द्वारा इंडिया के खिलाफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करी है रिगार्डिंग द इंडियाज वीट पॉलिसी। इन्होंने बेसिकली दो मुद्दों के ऊपर बात करी है। पहला मुद्दा, इंडिया के द्वारा रिसेंटली जो वीट के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया गया था उस पर सवाल उठाए गए हैं, और दूसरा जो इंडिया के द्वारा वीट को लेकर सब्सिडीज दी जाती हैं, वीट के दामों को डोमेस्टिकली कम रखा जाता है उसको लेकर के भी यहां पे सवाल उठाया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है आज से 2-3 दिन पहले ही सामने आई है। यूएसडब्ल्यू ट्रेड पॉलिसी टीम, यूएसडब्ल्यू बेसिकली यूएस वीट की जो ट्रेड पॉलिसी टीम है, दे हैव एड्रेस्ड इंडियाज सब्सिडीज एट WTO, और उन्होंने बल्कि केवल इंडिया को ही नहीं यहां पे टर्की को भी टारगेट किया है रिगार्डिंग उनकी वीट पॉलिसीज। तो यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहां पे इंडिया के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी है, क्या क्या रीजंस उन्होंने लिस्ट करे हैं, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू कि क्यों ये वाली जो कंप्लेंट दर्ज करी है ये असल में काफी हॉलो है, असल में इट डज नॉट मेक एनी सेंस, उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नंबर वन थिंग जो कि इनके द्वारा रेस किया गया है, दैट इज द सब्सिडीज पैकेज जो कि इंडिया बेसिकली अपने फार्मर्स को देता है। देखिए, WTO में जो सब्सिडीज के पैकेजेस हैं उनको तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली सब्सिडी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, दूसरी सब्सिडी है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और तीसरी सब्सिडी है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज को लेकर जनरली कोई मुद्दा नहीं होता है, लेकिन जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज हैं उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है कि आप लोग जो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो भी उसमें खर्चा आता है, उसमें केवल 5% के आसपास का ही सब्सिडी दे सकते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वो कंट्रीज अपने फार्मर्स को 10% के आसपास का यहां पर बेसिकली जो लिमिट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, उसमें सब्सिडी को ऑफर कर सकते हैं। अमेरिका का यह मानना है कि इंडिया के द्वारा इस 10% की लिमिट को ब्रीच किया गया है, और उनका यह मानना है कि क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा सब्सिडी अपने फार्मर्स को दे रहा है, तो उसके चलते क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी जो वीट है वो बेसिकली बाकी मार्केट्स में नहीं पहुंच पाती है, उनको नुकसान होता है। सो अमेरिकन कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर ऑपरेटिंग एट अ क्लियर डिसएडवांटेज टू देयर कंपेटिटर्स प्राइमरली फ्रॉम इंडिया, जहां पे गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन फॉर राइस एंड वीट इंस्टेड ऑफ द 10% अलाउएबल अंडर WTO। उनका ये यहां पे आरोप है कि 50% के आसपास यहां पे सब्सिडी दी जा रही है बाय इंडिया, जिसकी वजह से उनके फार्मर्स को काफी नुकसान हो रहा है। बल्कि उन्होंने इस चीज को लेकर स्टडीज भी करी जिनका ये अनुमान है, उनका ये कहा माना जाता है कि इन पॉलिसीज के चलते जो यूएस के फार्मर्स हैं उनको अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन पर एनम से लेकर $800 मिलियन पर एनम के आसपास का नुकसान हो रहा है, वो अपनी कमाई यहां पर गंवा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा दैट इंडिया मस्ट अडेयर टू इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड नॉट कंटिन्यू टू क्रिएट अनफेयर एडवांटेजेस फॉर इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड डिस्टॉर्ट द वर्ल्ड ट्रेड। यहां पर जो इंडिया के द्वारा लिए गए कदम है उनका यह मानना है कि उससे जो वैश्विक व्यापार है वो डिस्टॉर्ट होता है। सिमिलर आर्ग्यूमेंट यूएसए ने आज से एग्जैक्टली 11 महीने पहले जनवरी 21, 2022 में दिया था। तब भी यूएस लॉ मेकर्स ने WTO में एक केस सीक किया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के खिलाफ यहां पे केस चलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया रिगार्डिंग द वीट सब्सिडी। नाउ ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था रिगार्डिंग दी वीट एक्सपोर्ट बैन जो कि इंडिया के द्वारा मई के महीने में लगाया गया था। आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ा फैसला था, इंडिया ने आउटराइटली ब्लैंकेट बैन लगा दिया था ऑन द वीट एक्सपोर्ट्स ड्यू टू द डोमेस्टिक सप्लाई कंसर्न्स। इंडिया ने इस चीज को जस्टिफाई भी किया था कि हमारे यहां पे दो कंसर्न्स चल रहे हैं। पहला तो ये है कि इंटरनेशनली क्योंकि वीट प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, काफी तेजी से बल्कि बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह से जो इंडिया में फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ चुका है, वी कांट टेक दैट रिस्क, और इसीलिए हम लोग यहां पे एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं सो दैट डोमेस्टिकली वीट इजिली अवेलेबल हो सके। सेकेंडली क्योंकि इंडिया में एक यहां पे हीट वेव भी आई थी, बहुत लंबी हीट वेव चली थी, उसकी वजह से हमारी जो वीट प्रोडक्शन है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर reasons जिसकी वजह से हम लोग यहां पे इस एक्सपोर्ट बैन को लगा रहे हैं। लेकिन ये वाला मुद्दा भी WTO में तब भी उठाया गया था, आपके सामने है, 30 जून को केवल यूएसए के द्वारा नहीं बल्कि वेरियस कंट्रीज यूएसए, जापान, कनाडा, थाईलैंड, दे क्वेश्चन्ड कि आप जो ये कर रही हैं ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट यूएसए ने तो ये भी कहा कि इंडिया के द्वारा जो लिए गए कदम है उसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, उनको महंगे दाम में वीट खरीदनी पड़ रही है किसी और से जाकर के, और ये सारा का सारा किया धरा भारत का है बिकॉज भारत ने आउटराइटली
अपने जो व्हीट एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसी मीटिंग में इन्होंने जो सब्सिडीज वाला मुद्दा था इसको दोबारा उठा दिया कि कहा कि सब्सिडीज भी आप लोग करके गलत कर रहे हैं। इंडिया ने फिर से अपने फैसले को डिफेंड किया था उस टाइम पर, सितंबर 22, 2022 में, आप देख पाएंगे हिंदू की खबर है। इंडिया ने कहा था कि देखिए हमारे फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम लोग फार्मर्स को सिक्योरिटी और सब्सिडी इसीलिए देते हैं बिकॉज इंडिया के फार्मर्स उतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, एंड सेकेंडली हमें हमारी कंट्री में जो व्हीट के प्राइजेस हैं उसको कम रखना पड़ता है, हमें उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बांटना पड़ता है बिकॉज वी हैव टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर अ वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और रही बात एक्सपोर्ट्स को, तो इंडिया ने कहा था कि ये जो मेजर हम लोग ले रहे हैं ये ऑब्वियसली टेम्पररी इन नेचर है, जब तक कि ग्लोबली जो वीट के प्राइस हैं ये कूल डाउन नहीं हो जाते, और जैसे ही ये ठीक होगा हम लोग हमारे वीट एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन है इसको डेफिनेटली हटा देंगे। साथ ही में इनके द्वारा क्वेश्चन टर्की के ऊपर भी रेस किया, और इन्होंने टर्की के ऊपर भी ये कह दिया कि टर्की जो यहाँ पे फ्लो डंपिंग करता है उसकी वजह से लगभग यूएस के फार्मर्स को $100 मिलियन से लेकर $500 मिलियन के आसपास का सालाना नुकसान झेलना पड़ रहा है। नाउ ये आर्ग्यूमेंट्स हॉलो क्यों है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपके सामने मैं फिगर शो कर रहा हूं ये दिखाता है दुनिया भर में जो ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसका आपको ये ब्रेकडाउन शो करता है। आपके सामने है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अनडाउटेडली यहां पे चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड इज इंडिया, उसके बाद आपको रशिया देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे यूएसए भी ऑलमोस्ट रशिया के करीब ही है, और उसके बाद आपको बाकी कई सारी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। अगर आप आंकड़े देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस बहुत बड़ा है। चाइना जो है उसकी टोटल यील्ड लगभग 2.4 बिलियन टन्स की है, इंडिया काफी पीछे है, 1.8 बिलियन टन्स के आसपास का टोटल यील्ड हमें देखने को मिल जाता है। रशिया और भी पीछे है, 1.2 बिलियन है, यूएसए और भी पीछे है, 1.2 बिलियन के आसपास है। फ्रांस और कनाडा जैसी कंट्रीज तो असल में बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रही हैं, 767 मिलियन 571 मिलियन के आसपास का ही प्रोडक्शन हमें यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट यूएसए का इसलिए हॉलो बन जाता है बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना और इंडिया जैसे देश जो कि दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स हैं वो असल में पूरा का पूरा जो वीट का कंजम्पशन है वो डोमेस्टिकली ही करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ वीट की डिमांड ज्यादा है। तो यहां पर देखिए चाइना इवन दो इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट ऑल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वीट, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। सिमिलर टू चाइना इंडिया कीप्स मोस्ट ऑफ इट वीट डोमेस्टिक बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट फूड डिमांड अक्रॉस द कंट्री। रशिया जो कि वैसे बहुत कम प्रोड्यूस करता है चाइना और इंडिया की तुलना में, लेकिन वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। ये वाली फिगर को आप देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि दुनिया में जो टॉप 20 लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड है, नंबर वन पे दोस्तों रशिया है, नंबर टू पे कनाडा है, नंबर तीन पे यूएसए है, और उसके बाद फ्रांस जैसी कंट्रीज जो कि बहुत ही कम बना रही थी वो भी यहां पे नंबर फोर पे आ चुकी है। टॉप 20 के लिस्ट में ना तो हमें इंडिया देखने को मिलता है ना ही हमें चाइना देखने को मिलता है। सो ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया को असल में टारगेट किया क्यों जा रहा है। मे बी दे आर ट्रीटिंग इंडिया एज अ सॉफ्ट टारगेट। और इंडिया ने तो यहां पर यह भी क्लियर कर दिया था, दूसरा आर्ग्यूमेंट यहां पर यह भी आता है, इंडिया ने यह भी क्लियर किया था कि हमें ऑब्वियसली जो WTO में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलरली कॉल्ड एज AOA, इंडिया AOA को लेकर काफी लंबे टाइम से डिमांड करता है कि हमें इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाने की आवश्यकता है बिकॉज करंट जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये केवल डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया को फेवर नहीं करता है। बल्कि इंडिया ने यह मुद्दा इस साल जून में उठाया था 2022 में, और इसके पहले इंडिया ने सेम मुद्दा 2017 में भी उठाया था। ये WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था जब इंडिया ने कहा था कि हमें इसको लेकर एक परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता है। इंडिया ने ये तक कहा था कि इंडिया को अलाउ किया जाना चाहिए कि अगर हम लोग कहीं इंटरनेशनल फूड एड के लिए वीट भेजना चाहते हैं सस्ते दाम में या फिर फ्री में देना चाहते हैं तो हमें उस चीज को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इस चीज के भी खिलाफ थी और इंडिया के खिलाफ बोल रही थी। सो डेवलप्ड कंट्रीज का यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो काफी हॉलो इसलिए भी बन जाता है बिकॉज जब कोविड की पैंडेमिक भी चल रही थी उस टाइम पे ये लोग कह रहे थे कि जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं उनकी IP राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसके अगर हम लोग वैसा हो जाता तो उस केस में जो दवाइयां थी दुनिया भर में वैक्सीन्स का दाम काफी बढ़ जाता। सो इनका आर्ग्यूमेंट हमेशा ऐसा रहता है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज को ही फेवर करता है बट ऑब्वियसली। लेकिन ये जो इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स हैं दे मेक मच मोर सेंस, और ऑब्वियसली WTO को इस दिशा में चलना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ सुधार लाने चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेस्टबुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, CSAT कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं मात्र ₹24,000 में। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध, और इसमें आपको 16 मंथ्स का पूरा सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आपको श्रीराम IAS, लुकमान IAS और उजांक IAS जैसे
अन्य क्लासेस से पढ़ने का मौका मिलेगा और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।